बसपा की, जिसने पूर्वांचल में भाजपा और सपा को सीधी चुनौती दी है। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने आज चंदौली में विरोधी दलों के खिलाफ हुंकार भरी। पार्टी इस बार रिजर्व सीटों पर बड़ी रणनीति के तहत अपने प्लान को आगे बढ़ा रही है, जिससे राज्य की कुल 86 सुरक्षित सीटों पर सबसे आगे रहा जाए। भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि उनकी जमीन उत्तर प्रदेश से खिसक गई है और अब उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता वापसी नहीं हो रही, ये उसका विश्वास हो गया है। और इसी विश्वास को लेकर के वो विश्वास यात्रा भी कर रहे हैं, ये विश्वास दिलाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को कि देखिए अब आपको हम विश्वास दिला रहे हैं कि हम पलट के नहीं आ रहे हैं। और आपने देखा, ऐसे भी मोदी जी और योगी जी की तस्वीर भी देखी होगी आप लोगों ने, आप ही लोन चलाई है कि वो पीठी में हाथ रख के उनको वापस ले जा रहे हैं। ये क्या धर्म के ठेकेदार हैं? ये क्या राम का नाम इन्हीं के ऊपर पट्टा लिखा हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग नाम तो राम का ले रहे हैं, उधर वहाँ हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, किसान को कुचल के दबाया जा रहा है, उनकी मौत हो रही है, महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, लोगों की नौकरियां छीनी जा रही हैं, लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है? क्या यही राम राज्य है? क्या यही राम का नाम लेकर के करने की ये बात कर रहे हैं? ये और समाजवादी पार्टी हर रोज़ किसी इसको ढूंढते हैं, किसी उसको ढूंढते हैं, कोई पार्टी से निकाला हुआ वो मिल जाए, कोई दल मिल जाए, कोई ये मिल जाए, तो उसको साथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ये लोग कमज़ोर अपनी महसूस कर रहे हैं, ये बैसाखी ढूंढ रहे हैं और बैसाखियों के बल पे चलने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इसकी जगह किसी भी पार्टी के साथ में किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं कर रही है और न करेगी। फिलहाल बात तो छुपेगी, मैं आज इतना ही, दीजिए इजाजत।